मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अभी बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो कल मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं करी क्योंकि थोड़ा बहुत ब्लॉग जो अनमोल ने बनाया था वो ही बनाया था, और क्योंकि मेरी परसों रात से तबीयत ख़राब हो रही है, मेरा बीपी बढ़ जाता है तो मुझे दिक्कत होती है, और अभी मेरे सर में झनझन सी हो रही है, और थोड़ी तबीयत ठीक हुई तो मैं अपने घर का काम करी। पूरा घर संगवा दिया है मैंने, देखिए पूरा घर संगवा दिया है मैंने, झाड़ू भी निकाल दिए, तब लगाऊंगा पोछा। बर्तन मैंने क्लीन कर दिए, रसोई भी क्लीन कर दिए, और फिर मैंने पानी भी गर्म कर दिया। ये देखिए पानी रखा हुआ है, तो पोछा लगा के मैं नहाऊंगी। कल कपड़े धोए थे मैंने, कपड़े धोने के बाद मेरी फिर तबीयत ख़राब होगी तो मैं लेट गई रात के 10 बजे तक। मुझे पता ही नहीं है कुछ भी, बार बार मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, नींद नहीं आती है मुझे। जब मेरी तबीयत ख़राब होती तो पता नहीं क्या बात है, बीपी में मुझे नींद ही नहीं आती है। तो कोई नहीं, अब तबीयत ठीक है तो मैं थोड़ा घर का काम कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों के ऊपर इतना काम नहीं सौंपना चाहिए, क्योंकि वो तो मेरे बच्चे मजबूरी में करते हैं, मेरा काम थोड़ा बहुत मेरी हेल्प करा देते हैं। हाँ ये है कि घर गंदा नहीं रहता है, बच्चे साफ़ सफाई अच्छे से कर देते हैं। मेरे बीमार होने से इतना ये रहता है कि हाँ मेरा घर साफ़ सुथरा रहता है, अच्छे से काम कर देते हैं, बस खाने पीने का काम होता है मेरा। तो कल खाना वंशा ने बना दिया था हमारा, रात का तबीयत ठीक नहीं थी तो उसने कहा दीदी मैं बना दूँगी अब कुछ करना, तो खाना आ गया था नीचे से। तो अब मैं फटाफट करती हूँ पोछा, और फिर उसके बाद में नहाती हूँ और रेडी होती हूँ, क्योंकि मुझको खुद अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे पड़े रहना बिस्तर में, मुझे नींद भी नहीं आती और बिस्तर में लेटना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कि बीमार हो तो पड़े रहो, बस मेरी थोड़ी परेशानी ऐसी है कि मैं खड़ा होने की कोशिश करती नहीं हो पाती, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी में इफेक्ट पड़ता है बीपी से, और उससे मेरे को कमजोरी और सर में मेरी झनझन रहती है, पता नहीं क्यों। अभी बात करें तो हो रहा है मेरे जैसे चीज़ होती है ऐसे हो रहा है। तो चलेगा तो मैं करती हूँ फटाफट काम और फिर आपसे मिलती हूँ रेडी होकर। A few moments later. तो देखिए गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है, नहा धो के एकदम फ्रेश हो गई हूँ, क्योंकि बीमार होते अगर नहा धो ना तो और ऐसा लगता है कितना वजन है और अजीब सा ही लगता है, और नहा धो लो तो एकदम फ्रेशनेस से आ जाती है। तो मैं एकदम फ्रेश हो चुकी हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरे को सुकून सा लग रहा है कि हाँ कैसे बोझ सा हट गया। और टिप टॉप रहना चाहिए, सच बात है ये कि अगर बीमारी है तो नहा धो के एकदम टिप टॉप हो जाओ और एकदम फ्रेशनेस से आ जाती है, अगर नहा धो बिना मेकअप भी ना करो तो और बीमार लगते हैं, ये सच बात है। तो कल मैं ऐसे सारे दिन पड़ी रही और मैं तो चले गए, तो मैंने सुबह से अभी नाश्ता भी नहीं करा, मैंने क्या चाय और टोस्ट होते ना पापे वाले टोस्ट वो खाए थे मैंने, तो बच्चों को तो लंच मैंने पैक कर दिया था और अनमोल के पापा को भी, तो मैंने नाश्ता नहीं करा। तो मेरा मन करा पोहा बनाने का, पर पोहा बना लूँ तो पर अकेले नहीं खाया जाएगा, बच्चे होते तो उनके ये होता है कि बच्चों के सहारे से ना खा लेते हैं इंसान। अब बच्चे गए हुए हैं स्कूल तो अभी 11:30 हो रहा है, अभी तो बहुत टाइम है आने में, तो क्या करूँ, खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ आशा दीदी के पास चल जाऊँ, उनके हालचाल पूछ रही हूँ, क्योंकि 2 दिन से नहीं गई, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, वो बहुत बीमार रहती है, तो उनके पास बैठ जाती तो उनका थोड़ा सा सहारा क्या, एक बीमार आदमी के पास अगर 1-2 जने बैठ जाए तो वो अपनी बीमारी भूल जाता है बातचीत में हंसी। तो बीमार आदमी के पास बैठने से ये होता है कि उसका थोड़ा सा दुख कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो थोड़ी सी इधर उधर की बात करनी हंसी मजाक करना तो उसका माइंड वहाँ से हट जाता है और थोड़ा सा फ्रेश लगता है उसे, भाई हाँ कूल माइंड सा हो गया। तो मैं थोड़ी देर दीदी के पास बैठ जाती हूँ तो हंसती बोलती हूँ तो वो भी थोड़ा हंस जाती है, नहीं तो वो अकेली लेटी रहती है सोचती रहती है तो और बीमार हो जाती है। तो मैं सोच रही हूँ हो जाऊँ एक बारी थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए और फिर आती हूँ, अब फिर बनाऊँगी मैं। तो चलिए तो चलते हैं आशा दीदी के पास। A few moments later. तो हेलो गाइस, तो देखिए शाम के बज रहे हैं 5:30 और मैं आई हूँ पार्लर में जिनसे मैं सूट सिलवाती बबीता जी के पास। तो मेरा एक सूट था, कहाँ गया मेरा सूट, तो मैंने सूट फिटिंग के लिए डलवा रखा था, कहाँ गया मेरा सूट, नहीं मिला जी, बताओ कहाँ।
पहले बंद करो, देखो जी क्यों बंद करा, हम तो ढूंढवाएंगे हमारा सूट, देख लो कहाँ कर दिया इन्होंने, देख लो हमारा सूट को भी हम क्या बनेंगे, देखो इन्होंने हमारा सूट को भी, देखो जी हटो जी हमारा सूट को मार दिया, देखो हमारे सूट को मार दो, ये घबरा गई है हमारा सूट, देखो हमारा सूट को कहाँ दवाई, ये भी दवाई पड़ी है हमारा सूट को, देखो ये मैंने सूट नीतू ने मुझे सूट दिया था, तो थैंक यू नीतू, और ये मैंने फिटिंग करा लिया, तो पहन के तो मैं कल जरूर दिखाऊंगी, तो तुम खुश हो जाना। और ये हमें मिले हैं, यहाँ पर आए हैं सूट सिलवाने के लिए, ये हमारे सूट को दवाई पड़ी थी, मैं बता दूं ये हमारे सूट को दवाई पड़ी थी, हम ढूंढते फिर रहे हमारे सूट का, तो इन्होंने पूछा कि तुम ब्लॉग बनाते हो, हेलो हाय करो, अपना नाम बताओ, मेरा नाम आरोही, आरोही, और आपका क्या नाम है, छाया, छाया जी आई है ना, तो ये अपना सूट लेना है, ये भी यहाँ पर सिलवाते हैं बुटीक में, तो मेघा कर रही है थोड़ा तुरपाई, तो मेघा को भी ले लेते हैं, और ये तो घबराई गई कि मेरा सूट कहाँ चला गया, तो भाई उनका भी राइट बनता है, क्योंकि भाई मैंने तो तुम्हें दे ही दिया, हाँ इन्होंने, पर मैं दुकान में बैठी, जिम्मेवारी अभी तुम्हारी है, मेरी नहीं है क्योंकि मैं अभी बाहर नहीं गई हूँ, किसी का फोन आ रहा है, कोई नहीं, मैं सॉरी जो कोई भी है, नाम आ रहा है वैसे ही नंबर, मैंने नहीं देखा, मैंने काट दिया, तो मैंने इन्हें बताया, इन्हें पता चला कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तो मैं अपना फोन नहीं लेकर आई, तो ये ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ बबीता जी के फोन से, तो इन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरे फोन से शूट कर लो, मैं आपको सेंड कर दूँगा, आप ब्लॉग में डाल देना, तो इनको जरूर लेना था हमें, तो ये कैसे बनाती हैं ब्लॉग, मैंने कहा चलो अभी बताते हैं हम कैसे ब्लॉग बनाते हैं, तो आप हमारे ब्लॉग देखोगे तो सब्सक्राइब भी करना, ये देखेंगे इन्होंने कहा कैसे बनाते हैं, हाँ तो इन्होंने कहा कि मेरे को पता नहीं है, तो इन्होंने बताया कि ये ब्लॉग बनाते हैं, मैंने कहा चलो अभी मैं शूट करती हूँ उनको, और ये देखेंगे अब हमें ब्लॉग, हमारे एक सब्सक्राइबर और बढ़ गए, ऐसे ही हमारे सब्सक्राइबर, आप चार जनों को बताओगे तो और चार बढ़ जाएंगे, घर में कितने फोन है अभी तक ला लेगी एक ही, तो ये एक तो बढ़ेगा कोई बात नहीं, आस पड़ोस के घर वाले जितने दोस्त जो भी हो सबको बताओ, तो हमें यहाँ आने से एक फायदा हो गया कि एक दोस्त और मिल गए हमें, तो ये सब्सक्राइबर भी और हमारे दोस्त भी, अब हम आपस में हम दोस्त हैं, ठीक है ना, ये लो जी ये बनाओ दो भाई, जब बोलना चलना हो गया, फ्रेंडशिप हो गई तो दोस्ती तो होगी, जब आप हमारे ब्लॉग देखोगे तो दोस्ती तो बढ़ानी पड़ेगी, जितने मेरे सब्सक्राइबर है सब मेरे दोस्त हैं, सब भाई बहन जो भी है जो सब बनते हैं भाई, और मेघा बड़ी ध्यान से कह रही है कि मेरे को मले बन के मेघा को तो मैं जरूर लूंगी, वो अपना काम कर रही है, हाँ मेघा अपना काम कर रही है, तो मैंने कहा मेघा को जरूर लेना है, क्योंकि मेघा बहुत काम करती है, बहुत हेल्प करती है इनकी, तो बना दो इनके, हाँ वो तो बनी भी है, नीयू की नहीं बनी, हाँ हाँ इन्होंने ना पार्लर में अपने अब नया लुक करवाया है, तो क्या बोलते हैं, मेकओवर करवाया, मेकओवर करवाया इन्होंने, तो इन्होंने देखिए व्हाइट वॉश करवाया और पर्दे वर्दे, और इन्होंने देखो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा करवा लिया, अब तो काफ़ी अच्छा करवा लिया, तो एकदम ब्राइटनेस आ गई है पार्लर में, और भी अच्छा लग रहा है, और बड़ा बड़ा सा लग रहा है पार्लर, तो एक कलर से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, तो मैंने कहा चलो इनका भी ले ही लेते हैं, तो प्रमोशन तो होना ही चाहिए हर चीज़ का, हमारा जैसे अब आज इनका मैंने प्रमोशन कर दिया, हमारी दोस्त हैं नाम तो बता दो, छाया नाम है इनका, और मैं भी नहीं याद रखूंगी, तो ये मुझे और भी ज़्यादा याद करेंगे, नाम लक्ष्मी सूद फैमिली लोग इस नाम से, तो चलिएगा इस दफर मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर में, हम ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो गई तो रात के 11 बज चुके हैं, और मैं शाम को 6 बजे गई थी मार्केट, क्योंकि मुझे होली माता के वो लाने थे, चांदी के होते मोती जो होते हैं वो लेने गई थी मैं, तो अनमोल को छोड़ के गई थी मैं, अनमोल लेटा हुआ था फ़ोन चला रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं वहाँ जा रही हूँ मार्केट, तो मैं अभी आ रही हूँ, तो मैं मार्केट चली गई, और पीछे से अनमोल की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, और अनमोल का पूरा शरीर अकड़ गया, और अनमोल कलम से गिर गया,
मुझे तो पता भी नहीं, मैं मार्केट में थी और एकदम दांती भिज गई इसकी, दांत उठी भिज गई। तो अनुराग ने हल्ला काटा तो सब पूरा मेरी पूरी फैमिली इकट्ठी हो गई और उसको लेके हॉस्पिटल भागे ASI। और वहाँ हॉस्पिटल में दिखाया हमने, तो मैंने उसको दवाई वगैरह चढ़ाई, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाई, तो उसको वहाँ होश आ गया था। उसे पता भी नहीं इसके साथ क्या हुआ। और फिर वहाँ से हमें दूसरे हॉस्पिटल जाना पड़ गया, वहाँ पर चेकअप वगैरह करवाया। तो हम मंडे को जाएंगे इसको OPD में दिखाने के लिए। और मैं वहाँ पर पिछली ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि देखो मैं माँ और माँ के जी पे क्या बीती है सब आप सब लोग जान सकते हैं। मुझे इतना होश नहीं था कि मैं अपने बच्चे के बारे में सोच रही हूँ। मैं रो रो कर मेरा परेशान हो रही थी, मैं इसके साथ थी। मैं बाद में आई हूँ ना, मुझे जब सबने बताया कि घर में आओ मेरे को, तो इन्होंने जल्दी से कोई बात बताई भी नहीं, पड़ा पानी पिलाया और फिर इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मुल्क की तबीयत ख़राब होती थी। तो मैं रोने लगी तो फिर इन्होंने कहा कि अब ठीक है, वो होश में है। तो फिर मैं हॉस्पिटल गई और फिर वहाँ जाकर देखा तो इसको वो चढ़ रही थी, दवाई चढ़ रही थी। तो होश में था, बात कर रहा था मुझसे, मम्मी ठीक हो, आप टेंशन मत लो। तो उन लोगों ने दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया, वहाँ पर चेकअप करवा कराए, डॉक्टर से बातचीत वगैरह करी। तो फिर तो शुक्र है अनुराग इसके साथ था, नहीं पलंग पे लेटा होते थे, पलंग से गिर गया नीचे उसके सर में खुलकर। अब आप समझ सकते हैं कि एक माँ की जी पे क्या बीत रही होगी। तो मैं अब हम इसे लेकर आ गए हैं, तो देखिए इसके दोस्त अंकित राजकुमार भाई साहब लड़का तो वो भी आ गया था। तो हम इसको साथ इसलिए लेकर आए कि इसका दोस्त है तो थोड़ा बोलेगा चलेगा तो इसका मन ठीक होगा। तो अब अनमोल सो रहा है, तो अभी सब लोग गए हैं हमारे कमरे में से, तो अभी वो सो रहा है, रेस्ट कर रहा है। अनुराग फ़ोन मत ले, तो फ़ोन ही देख रहे थे जब इसको ऐसा हुआ था। और खाना मैंने अभी बनाया नहीं है, वंशा ने खाना बनाया है हमारा, जो वंशा खाना बना रही है। और आप समझ सकते हैं कि तो देखिए सभी आ रहे हैं इसको देखने के लिए, चाची जी भी आई है। तो वंशा ने खाना तो सब चले गए हैं, चाची जी आई थी, चाची जी भी चली गई, मेरे देवर आए थे जिनका बेटा हुआ था। तो जिन देवर का मेरा बेटा हुआ है तो वो भी आए थे देखने के लिए, और प्रिया दीदी भी आई थी। और हमने खाना वाना खा लिया है, अनमोल को भी खिला दिया है, तो दवाई तो सुबह देनी है। और ये देखिए मैंने दवाई भी बांध रखी है क्योंकि ऐसे वालों ने दवाई दे दी है। और क्योंकि संडे है तो कल डिस्पेंसरी से दवाई नहीं मिलती, तो हमें परसों लानी होगी दवाई, परसों ही हमें इसको हॉस्पिटल लेके जाना OPD में दिखाने के लिए। तो अनमोल सो रहा है, ये देखिए सो रहा है। तो अंकित आया हुआ है, तो इसके आने से थोड़ा सा वो हंस बोल लिया, तो इसलिए हम इसे साथ लिया है कि तू साथ चल ताकि जैसे हंस बोल ले। तो बच्चा बच्चों में ही खुश रहता है, हम उम्र होता है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। हम बच्चे तो बड़ों में खुश रहते हैं। मुर्गी पापा ने चाय बनाई क्योंकि इन्होंने चाय वाय कुछ नहीं पीती, तब चाय पी रहे हैं। और आप समझ सकते हो हम पे क्या बीत रही है। क्योंकि बच्चा बराबर का हो गया, अगर उसे कुछ होता है, क्योंकि बच्चा जब बराबर का हो तो छोटा हो, दुख तो सभी माँ बाप को होता है। तो जिस उस टाइम में मैं नहीं थी यहाँ पर, मम्मी गई थी मार्केट, मैं मार्केट चली गई थी, तो चले गए। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ, तो ये आज का वीडियो ही करते हैं। मैं
दिमाग बहुत परेशान सा हो रहा है। और तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नई ब्लॉग में, एक नई टाइटल के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय।